We have a numerical. Numerical number है ये 10. Prove that the vectors a, b और c इनकी values दी हुई हैं can form the sides of a triangle. Find the length of the medians of a triangle. तीन vectors दिए हुए हैं हमें a, b और c. पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं जो इनके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ये मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और दूसरा मीडियंस कैलकुलेट करना है हमें तीन मीडियंस. सबसे पहले बच्चों मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के कोने से वर्टेक्स से लेकर जो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होती है इसके ऑपोजिट साइड के सेंटर तक, उसको हम कहते हैं मीडियन. इस हिसाब से किसी भी ट्राइंगल में कितने मीडियंस होंगे, थ्री मीडियंस होंगे. वन जो इस कोने से स्टार्ट हो रही है, लेट्स नेम इट पी, पी से स्टार्ट हो रही है और लाइन बी के मिडल तक जा रही है. दूसरी वो जो क्यू से स्टार्ट होगी, वर्टेक्स क्यू से स्टार्ट होगी और सी के मिडल तक जाएगी. और तीसरी वो जो कि ये इस पॉइंट आर से स्टार्ट होगी और इसके मिडल तक जाएगी. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये. हमें ये तीनों मीडियंस कैलकुलेट करने हैं और ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं. फॉर द ट्रायंगल हमें, देखो बच्चों, अगर हम दो साइड्स को ऐड करें और उनको ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो थर्ड साइड के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि यस, दो साइड्स ऐड अप होके थर्ड साइड बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. इस केस में हम अगर ए प्लस बी करें और इसका रिजल्ट हमारे पास सी के इक्वल आए, या बी प्लस सी हमें ए के इक्वल मिले, तो हम कहेंगे कि यस, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, वैल्यूज हैं, ये मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं. नाउ बी हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के. अगर हम इसमें ऐड करते हैं सी, यानी बी प्लस सी, सी हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 4i माइनस 2j माइनस 6k. हम क्या कहेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट देखते हैं, 4i एंड माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 1j रह जाएगा, प्लस j प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2k. तो जो थर्ड वेक्टर हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 3i प्लस j माइनस 2k, जो कि किसके इक्वल है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पर a की दी हुई है ये वही वैल्यू आ रही है, ये a के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि b प्लस c इज इक्वल टू a, इसका मतलब है यस, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. ये पहली चीज़ हमने प्रूफ कर दी. अब हमें मीडियंस कैलकुलेट करने हैं. ओके, जब हम बात करते हैं मीडियंस फाइंड करने की, तो मीडियन, पहला वाला मीडियन यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर. यह है इसकी साइड ए बी एंड साइड सी. फॉर फर्स्ट मीडियन कहाँ फॉर्म होगा, इस वर्टेक्स पी से लेकर ये जो लाइन सी है इसके मिडल तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मीडियन फॉर्म हो जाएगा M1. हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो फॉर्म होता है वो इक्वल होता है जो बाकी वेक्टर्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है. यहाँ पर देखो, ये वाला जो वेक्टर बन रहा है ना, अब जो बीच में लाइन बन गई, ये रिजल्टेंट वेक्टर है. और ये किन दो वेक्टर से मिलके बन रही है, एक इस वेक्टर से जो क्या है बी, और आधे इस वेक्टर से जो है सी, यानी हाफ सी. मतलब क्या है कि आर या जो एम वन है, जो फर्स्ट मीडियन है, वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस हाफ सी. बहुत सिंपल हो गई ना बात. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एम वन इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमें दी हुई है, माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के. और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ सी. सी की वैल्यू क्या है, 4i माइनस 2j माइनस 6k. यहाँ पर देखो बच्चों, हाफ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है इसके तमाम नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. सो M1 किसके इक्वल हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 2j अपॉन 2. ये वाला जो 2 है ना, ये इंडिविजुअली सबसे डिवाइड होगा,
माइनस सिक्स के अपॉन टू, टू वन ज़ टू, टू टू ज़ फोर, टू वन ज़ टू, टू वन ज़ टू, टू वन ज़ टू, टू थ्री ज़ सिक्स. सो माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के प्लस टू आई माइनस जे माइनस थ्री के. अब सिंपल एड एंड सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर माइनस आए है, ये प्लस टू आए है, तो माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएगा, दो में से हम एक निकाल देंगे, हमारे पास सिर्फ एक आए रह जाएगा. तो मीडियन वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आए प्लस टू जे, थ्री में से हमने वन जे निकाल दिया, टू जे रह गया, प्लस फोर के में से एक के निकाल दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक के रह गया. दिस इज द रिजल्ट फॉर फर्स्ट मीडियन एम वन. एम वन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा टू द अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर. देखो आई वन था ना, वन का स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू क्या है, टू, टू का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू भी है वन, वन का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू वन प्लस टू टू ज फोर प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स. तो पहला मीडियन जो है एम वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स. सेकेंड मीडियन की बात करें तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू और एंड होगा इस लाइन के हाफ में, यानी हाफ ए पे हमारे पास बनेगा मीडियन टू. सो यहाँ पर देखो कौन से दो वेक्टर्स मिल रहे हैं, मीडियन मीडियन टू और ये लाइन बी जो है ये मिलके बना रहा है हाफ ए. रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर कौन सा वाला बन रहा है, ये हाफ ए. सो हम कहेंगे कि हाफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, मीडियन टू प्लस बी, ये वाली साइड बी. या हमें चूंकि मीडियन टू फाइंड करना है इसलिए हम कहेंगे कि हाफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मीडियन ए. वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ ए किसके इक्वल है, थ्री आई प्लस जे माइनस टू के, और माइनस कर देंगे इसमें से बी की वैल्यू, माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के. ये जो टू है ये इंडिविजुअली सबसे डिवाइड होगा, सो थ्री अपॉन टू आई प्लस जे अपॉन टू माइनस टू अपॉन टू के, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस आई माइनस प्लस माइनस थ्री जे प्लस माइनस माइनस फोर के. अब अगर हम सिर्फ i की वैल्यूज को एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टू आई प्लस आई, जे की वैल्यूज हमारे पास क्या है, प्लस जे अपॉन टू माइनस थ्री जे, एंड देन वी हैव माइनस के एंड माइनस फोर के. यहाँ पर देखो बच्चों ये दोनों जगह पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम. सो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, टू, वन टू ज टू एंड वन थ्री ज, टू वन ज टू एंड वन थ्री ज थ्री आई प्लस वन, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है तो वन होगा, वन टू द टू टू आई, ठीक है. प्लस यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम भी, क्योंकि जे के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन कंसीडर करेंगे, इसका एलसीएम भी हमारे पास आ गया टू. अगेन टू वन ज टू और वन जे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जे हो जाएगा, माइनस वन टू ज टू एंड टू थ्री ज सिक्स. एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, यहाँ पर हमने सिंपल एलसीएम लिया, माइनस के. अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, और हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव के. ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, वी विल हैव फाइव आई अपॉन टू प्लस एक आई में से ये माइनस हो गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिक्स में से वन माइनस किया, फाइव जे अपॉन टू माइनस फाइव के. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, हमारे पास वैल्यू आ गई ऑफ मीडियन टू एम टू. अब जब चूंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाएगा टू द अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉन टू का स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन टू का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव के स्क्वायर के इक्वल. और ये सब फाइव फाइव से क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर एंड प्लस फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव, जो नेगेटिव साइन है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा. अब अगेन यहाँ पर हमारे पास एलसीएम का चक्कर आ गया, हमें इसका लेना होगा
एलसीएम 25/4 + 25/4 + 25 इसका लेंगे एलसीएम, इन सब नंबर्स का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4. नाउ 1 4 = 4 और 4 1 = 4 एंड 1 25 = 25. यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलरली 25 आएगा प्लस 1 कितने जो 4, 1 4 = 4 मल्टीप्लाइड बाय 25. ठीक हो गया. 5 25 + 25 विल बी इक्वल टू 50 और 4 × 25 विल बी इक्वल टू 100/4. ये सब अंडर रूट में आएगा. इज इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे 150/4 का अंडर रूट. अब अगर हम इट विल बी 5/2 √6 एलसीएम लेना है आपने 150/4 का. ओके नाउ फॉर द लास्ट मीडियन. जो लास्ट मीडियन है ये हमारे पास वर्टेक्स आर से स्टार्ट होगा और लाइन बी तक जाएगा. यहाँ पर ये हमारे पास हाफ ऑफ द लाइन बी तक जाएगा. यहाँ पर हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स मिलके रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे. पहला वेक्टर है पी आर यानी वेक्टर ए प्लस जो मीडियन वाली लाइन बन रही है ये एम थ्री. ये मिलके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे जो कि इक्वल होगा हाफ बी के. चूँकि हमें एम थ्री चाहिए सो एम थ्री किसके इक्वल होगा हाफ बी माइनस ए के. हाफ बी की वैल्यू क्या है माइनस आई प्लस 3j + 4k माइनस ए की वैल्यू क्या है 3i + j - 2k. सिमिलरली ये जो हाफ है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा सो माइनस आई अपॉन 2 प्लस 3/2j प्लस 4/2k माइनस 3i - j - - 2k. यहाँ पर 2 1 = 2 2 2 = 4 k हमारे पास 2 हो गया. अगेन माइनस आई अपॉन 2 और दूसरा आई हमारे पास क्या है -3i. सब वैल्यूज़ को हम साथ लिखते हैं. j की वैल्यू क्या है +3/2j एंड -j और k की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है +2k एंड +2k. अगेन यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे. एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 = 2 1 1 = 1 - 1 - 1 2 2 2 3 = 6 आई प्लस यहाँ पर अगेन हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 = 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2 and 2 1 = 2 - 2j + 2 + 2 = 4k. 5 में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -7i/2 प्लस यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 रह गया हमारे पास 1/2j एंड +4k. ये वैल्यूज आ गई हमारे पास थर्ड मीडियन की. अब जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो थर्ड मीडियन का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे. अंडर रूट लेंगे. पहली वैल्यू क्या थी -7/2 + 1/2 + 4 square. सारी वैल्यूज़ का हम स्क्वायर लेकर इनको ऐड कर देंगे. सो देखो जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 49/4 + 1 1 = 1 2 2 = 4 + 4 4 = 16. इनको भी ऐड करने के लिए आप इनका एलसीएम लोगे. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इनका एलसीएम 4 आएगा और आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम थ्री का दैट विल बी इक्वल टू 49 + 1 + 64/4. सबको ऐड करोगे और इनका अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 √114. सो ये हमारे पास थर्ड मीडियन आ गया.
इसको जब आप ऐड करोगे तो 114 आएगा, ये ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो इसका डिनोमिनेटर है, चूंकि ये किसका अंडर रूट है, 2 का, तो ये जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा। तो 1/2 अंडर रूट 114, ये हमारे पास आ गया थर्ड मीडियन।